मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में बीते 9 दिनों से नगर निगम चौराहे पर पेयजल संकट के निराकरण की मुख्य मांग को लेकर चल रहा आंदोलन खत्म हो गया है। नगर निगम आयुक्त ने आंदोलनकारियों की मांगों पर प्रस्तावित समाधान का आश्वासन देकर आंदोलन को खत्म कराया। इस मौके पर एसडीएम सहित तहसीलदार मौजूद रहे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित जैन को दादाजी का टिक्कड़ खिलाकर और नारियल पानी पिलाकर आंदोलन को खत्म कराया गया। खंडवा शहर में पेयजल के लिए मची मारामारी के चलते नागरिकों का गुस्सा उबल पड़ा। निगम की पेयजल व्यवस्था ध्वस्त होते ही गुस्साए नागरिकों ने अमित जैन की अगुवाई में जल संकट के निराकरण की मांग को लेकर नगर निगम चौराहे पर 15 जून को अनशन शुरू कर दिया था। लगातार आंदोलन के चलते जिला प्रशासन हरकत में आया। आंदोलन के 9वें दिन सोमवार को आखिरकार प्रशासन ने आंदोलनकारियों की मांग का निराकरण करने की पहल करते हुए प्रस्तावित समाधान का आश्वासन देकर आंदोलन खत्म कराया। इस अवसर पर अमित जैन को अशोक पालीवाल ने दादाजी का टिक्कड़ खिलाया तो शारदा शर्मा ने नारियल पानी पिलाकर अनशन खत्म करवाया। शासन की ओर से जो अपने को लेटर मिला है उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, कृपया सभी ध्यान दें। जय महादेवगढ़ के कार्यकर्ता अमित जैन के द्वारा नगर निगम चौराहे पर जल समस्या को लेकर भूख हड़ताल की जा रही है तथा श्री जैन के द्वारा जल समस्या से जुड़ी हुई 9 मांगे प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत 9 मांगों का निराकरण बिंदुवार प्रस्तावित है। पहला, खंडवा में नल जल योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी न्यायिक जांच की मांग की गई है। इस संबंध में शासन स्तर से उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है एवं डक्ट आयरन पाइप लाइन की सहमति बनाई गई है ताकि भविष्य में खंडवा शहर के समय में पेयजल निरंतर रूप से निर्बाध प्राप्त हो सकेगा। उक्त कार्य में लगभग 1 वर्ष 6 माह लगने की संभावना है। उक्त भ्रष्टाचार की जांच लोकायुक्त में प्रचलित है। दूसरा, शहर में पेयजल संकट होने पर आवश्यकता अनुसार पानी के टैंकरों से समस्या ग्रस्त वार्डों में प्राथमिकता से पानी का वितरण किया जाएगा। तीसरा, शहर में विभिन्न कॉलोनियों में जो ट्यूबवेल हैं उनसे सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा है, बिंदुओं का पालन किया जा रहा है। चौथा, सुक्ता पाइपलाइन के संबंध में मांग रखी गई है जिसके संबंध में नर्मदा जल पाइपलाइन से जब तक पानी सुचारू रूप से प्राप्त नहीं हो जाता तब तक सुक्ता पाइपलाइन बंद नहीं की जा रही है तथा उक्त लाइन का समय समय पर मेंटेनेंस कराया जा रहा है। शहरवासी भी इस पुरानी लाइन से नई लाइन में शिफ्ट हो ताकि प्रतिदिन सप्लाई की स्थिति बने तथा पानी भी प्रेशर से मिलेगा। पांचवा, जल कर के संबंध में 200 रुपये प्रतिमाह नीतिगत निर्णय जिस पर परिषद प्रस्ताव तैयार कर भेज सकती है वर्तमान में संभव नहीं है। छठवा, शासन के द्वारा निजीकरण के लिए मना कर दिया गया है। जल कर की वसूली नगर निगम के द्वारा की जाती है तथा विश्वा को भुगतान किया जाता है। प्राकृतिक जल स्रोत कुएं तालाब बावड़ी को साफ कराया जाएगा। सातवा, नगर निगम में नए टेक्नीशियनों की भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। आठवा, सुक्ता डैम गहरीकरण की मांग रखी गई है तथा पाइपलाइन डालकर नागसुन तालाब में पानी छोड़े जाने की मांग की गई है। इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा तथा विकल्प पर विचार किया जाएगा। नौवा, अधिसूचना की आपत्तियों के निराकरण की मांग की गई है। गठित कमेटी द्वारा जांच कर ली गई है जिसके 2009 से टेंडर डॉक्यूमेंट शर्तों आपत्तियों का निराकरण समस्त जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त नगर निगम खंडवा।